हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास ग्रेड वन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो करंटली वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8, एडिशन अप टू 99। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। सो आज हम चैप्टर 8 में एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 करेंगे, ओके। सो पार्ट 3 में क्या सीखेंगे हम? रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स को रीग्रुप कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सो व्हेन वी ऐड, समटाइम्स वी मे हैव मोर देन 9 ones। जब भी हम एडिशन करते हैं, हमारा आंसर 9 से ज़्यादा आ सकता है या ज़्यादा आता है, उस टाइम हमें रीग्रुपिंग करना होता है। वी यूज़ रीग्रुपिंग इन दिस केस, जब भी हमारा आंसर 9 ones से ज़्यादा आता हो, जैसे 10, 11, 12, उस टाइम हमें रीग्रुपिंग करना होता है, ओके। वी रीग्रुप 10 ones एस 110। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जब हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो एक 10 बनता है, 10 ones, ओके। जब हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो 10 ones बनते हैं, राइट। कैसे ऐड करते हैं? 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10। सो हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 ones बनेगा। 10 ones मतलब एक 10 होता है। सो वी रीग्रुप 10 ones एस 110। जब भी हम 10 ones को रीग्रुप करते हैं तब हम उसे क्या लिखते हैं? 110, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 है 2 tens and 15 ones। सो यहाँ पे 2 tens मतलब 20 होता है, ओके स्टूडेंट्स। अभी है 15 ones। 15 ones कैसे बने होंगे? 15 कैसे बना होगा? 10 plus 5। जब हमने 10 ones में और 5 ones ऐड किए होंगे, मीन्स जब हमने 10 में 5 ऐड किए होंगे तो 15 बन गया होगा। सो 10 ones मतलब क्या होता है? 110। हमने आगे सीखा ना, 10 ones को हम कैसे रीग्रुप करते हैं? 110। सो जब हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो एक 10 बनता है। सो 10 ones इज इक्वल्स टू 110 एंड 5 ones का 5 ones ही रहेगा। सो हमने क्या किया? 2 tens का 2 tens ही रहने दिया। जो 15 ones थे ना, उसको हमने स्प्लिट किया। 15 कैसे बनता है? 10 plus 5, ओके। सो 10 ones को हमने 110 बना दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो 2 tens plus 110 होता है 3 tens। हमने क्या किया? जो 15 था पहले उसको स्प्लिट कर दिया, हमने उसको 10 ones plus 5 ones बना दिया, बाद में 10 ones को हमने 110 बना दिया, ओके। उस 110 को हमने 2 tens में ऐड कर दिया। सो 2 tens plus 110 होता है 3 tens एंड 5 ones का हमने 5 ones रखा। सो स्टूडेंट्स, 2 tens and 15 ones इज इक्वल्स टू 3 tens and 5 ones, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, पहले हमारे पास थे 2 tens and 15 ones। पिक्चर में पहले हमारे पास 2 के 2 ग्रुप्स हैं एंड 15 बॉल्स एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने 15 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 10 प्लस 5 कर दिया। सो हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप बना दिया 10 को, रीग्रुपिंग 10 ones एस 110 कर दिया एंड 5 बॉल्स को एक्स्ट्रा में रख दिया। सो अभी हमारे पास आंसर में क्या है? 3 groups of 10s and 5 ones, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 110 and 11 ones। सो स्टूडेंट्स, 110 तो 110 ही रहेगा, जो 11 ones है ना, हम उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, मतलब उसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। सो 11 पहले तो कैसे बनता है? 10 plus 1। जब हम 10 में 1 प्लस करते हैं, सो 11 कैसे बना? 10 ones plus 1, ओके। सो स्टूडेंट्स, जो 10 ones है ना हमारे पास, उससे हम 110 बना देंगे। सो 10 ones क्या होता है? 110। हमने रीग्रुप कर दिया, 10 ones को 110 बना दिया एंड पीछे हमने प्लस 1 कर दिया। सो अभी हमें क्या करना है? अभी जो हमने 110 बनाया है ना, और पहले जो हमारे पास 110 है, आगे दोनों को प्लस कर देना है, ओके। सो 110 प्लस 110 क्या होता है? 2 tens, और हमारे पास 1 1 भी है, सो वो हम ऐड कर देंगे। हमने क्या किया? हमने 110 एंड 11 ones का 2 tens एंड 1 1 कर दिया। सो 110 एंड 11 ones मीन्स 2 tens 1 1। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पिक्चर में 2 बड़े रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में देखो, येलो वाले बॉक्स में 10 balls हैं
एंड साइड में और 11 बॉल्स दिए हुए हैं. सो हमने क्या किया था, इन 11 बॉल्स को हमने इन 11 वंस को दो पार्ट में स्प्लिट किया था, 10 प्लस 1 कर दिया था, राइट. सो अभी हमारे पास 10 के कितने ग्रुप्स हो गए, टू ग्रुप्स, टू टेंस मतलब 20, और वन हमने बॉल एक्स्ट्रा रखा है. आज हमने रीग्रुपिंग का टॉपिक सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. सो थैंक यू.